एक समय की बात है, सर्दी का दिन था और एक शेर धूप में सो रहा था। तभी वहाँ एक चूहा आया और सोए हुए शेर के शरीर पे कूदने लगा, जिससे तंग आकर शेर जाग उठा और उसने अपने भारी पंजों से चूहे को पकड़ लिया। शेर ने गुस्से में कहा, मूर्ख चूहे, मुझे तंग क्यों किया? अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद चूहा बहुत डर गया और शेर से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे जाने दो, अगर आपको मेरी मदद की कभी भी ज़रूरत होगी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ये सुनने के बाद शेर हंसने लगा और सोचने लगा कि ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। चूहे को विनती करते देख शेर ने उसे माफ़ किया और जाने दिया। कुछ ही दिनों के बाद वो शेर जंगल में शिकार द्वारा बिछाए गए एक जाल में फंस जाता है। शेर उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो निकल नहीं पाता, जिसके बाद वो दहाड़ना शुरू कर देता है। ये आवाज़ सुन उस चूहे तक पहुंच जाती है और वो शेर को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। चूहा अपने दांतों से जाल को काटने की कोशिश करता है और अंत में वो शेर को बाहर निकालने में सफल हो जाता है। शेर चूहे के इस काम से बड़ा खुश होता है और वो चूहे से कहता है कि दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा, और साथ ही कहता है आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता है। पता नहीं कब किस जगह किस इंसान से मुलाकात हो जाए जिसे हम जानते पहचानते नहीं हैं और वो बंदा हमारा काम आ सके। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।